भारत की चौतरफा घेराबंदी करने के मकसद से चीन रणनीतिक परियोजनाओं को नेपाल के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन नेपाल सीमा पर लापचा से लेकर भारत नेपाल सीमा पर बिरता मोड़ तक वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर सड़क बनाएगा। 5 साल में पूरी होने वाली सड़क से चीन और भारत सीमा के बीच का सफर महज 4 घंटे में तय होगा। इसके अलावा नेपाल में चीन की मदद से आयुध फैक्ट्री के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इन योजनाओं पर भारतीय एजेंसियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। नेपाल में भारत विरोधी प्रचार के लिए चीन की फंडिंग की भी पुख्ता जानकारी भारतीय एजेंसियों को मिली है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा के मुताबिक चीन लगातार भारत की रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है। उन्होंने अपने व्यापारिक हित के अलावा सैन्य रणनीतिक संबंधों पर खास ध्यान दिया है। वे एशिया में भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते। श्रीलंका और मालदीव में उन्होंने यही किया। नेपाल में भी उन्होंने पैठ बनाई है। अगर भारत नेपाल सीमा तक चीन सड़क बना लेता है तो ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी चुनौती होगी। भारत को नेपाल से मिलकर काउंटर रणनीति पर काम करना होगा। जानकारी है कि नेपाल आयुध फैक्ट्री को लेकर चीन की मदद हासिल करने की मंशा जाहिर कर चुका है। नेपाल ने कहा है कि वो अपने यहाँ हथियार और विशिष्ट किस्म की वर्दी का निर्माण करना चाहता है। लुम्बिनी में मोनोरेल परियोजना को लेकर भी दोनों देशों के बीच जल्द बैठक होने वाली है।